हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे आने वाले इन क्वेश्चनों को याद करके आप 90 परसेंट ला सकते हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा और जो क्वेश्चन दे रहा हूं अठारह सौ उन्नीस क्वेश्चन होंगे टोटल आप इन क्वेश्चनों को याद करके नब्बे ला सकते हैं और जिन छात्रों का एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं बहुविकल्पी जिस जिस यूनिवर्सिटी में वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना साथ ही साथ उनका हम वीडियो भी बना के यूट्यूब करेंगे पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उससे अच्छी तरीके कर सकते हैं और उस पीडीएफ से भी नब्बे प्लस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा सभी छात्रों से कहना चाहूंगा आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से है बिहार की यूनिवर्सिटी से या फिर आप यूके उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप अपने नोट्स गैस पेपर बुक जो भी है आप उस पे टिक लगा लीजिए जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है बाकी कोई और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा मैं हमारे आप इस सब्जेक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ प्ले स्टोर पर हमने सारे ऐप बनाकर पब्लिश कर रखे हैं आप ऐप से भी पढ़ाई कर सकते हैं और मैं इन सारे क्वेश्चनों की वीडियो भी हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे चलो स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन है दोस्तों वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या होता है मतलब कि वित्तीय प्रबंध की परिभाषा उनकी सीमाएं लिमिटेशन उनकी विशेषताएं प्रॉपर्टीज एंड उनके कार, मतलब कि गुण वर्ग क्या कार है वर्ग क्या है वो सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे वित्तीय नियोजन क्या होता है उसका अर्थ क्या है मतलब वित्तीय नियोजन की परिभाषा उसके महत्व उनकी सीमाएं उनकी विशेषताएं उनके गुण के बारे में देख लेंगे कोई भी क्वेश्चन देखो पहले क्वेश्चन वो एग्जाम में करना है जो आपको याद है उसके बाद में जो वो करना है जो आपको याद नहीं है मतलब बना बना के लिख के आना है लेकिन करके जरूर आना है कॉपी को खाली नहीं रहने देना है इस बात को याद रखना कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बजट क्या पूंजी बच्चन क्या होता है पूंजी बच्चन उनके महत्व उनकी सीमाएं और उनकी विशेषताओं को हम याद कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ नियोजन एक होता है पूंजी बच्चन एक होता है नियोजन बजट ठीक है नियोजन परियोजना बजट तो परियोजना बजट के बारे में देख लेना ठीक है तो परियोजना और परियोजना बजट क्या होता है और पूंजी बजट बजट क्या होता है पूंजी बजट होगा यहाँ बेटा देखो पूंजी बजट और परियोजना बजट इन दोनों में आपको सीमाएं महत्व के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है नेक्स्ट है पुनर्भुगतान अवधि पद्धति का प्रयोग और उनके लाभ के बारे में देख लेना है मतलब पुनर्भुगतान जो अवधि पद्धति होती है उसका प्रयोग यूज कहां किया जाता है उसके लाभ क्या है प्रॉपर्टीज क्या है वो सब कुछ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो समता पूंजी लागत किसे कहते हैं तो समता पूंजी लागत को अच्छी तरीके से देख लेंगे और महत्व को याद कर लेंगे ठीक है परिचालन उत्तोलक की अवधारणा तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा परिचालक उत्तोलक की अवधारणा का वर्णन करो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है अपने बुक पर टिक लगा लो नोट्स पर गैस पेपर जिससे आप तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे यहां बोला गया वित्तीय उत्तोलक क्या है उसकी विशेषता महत्व सीमाओं को याद कर लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पूंजी संरचना उनके घटक उनके सिद्धांतों को याद कर लेना है पूंजी संरचना क्या होती है उनके घटक उनके सिद्धांत क्या है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समता पर व्यवहार महत्व उनकी सीमाओं को याद कर लेना है ठीक है जस्ट मोमेंट रुकेंगे छोटी सी कॉल आई है उसको देख लेते हैं। Guys, समझ चुके हैं अब इस क्वेश्चन को ठीक उसके बाद में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है समता पर व्यापार क्या होता है महत्व सीमा उद्देश्य और उनके प्रभाव मतलब इफेक्ट को देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक्स लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभांश क्या होता है लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं इन सारी वीडियो को हम शॉर्ट में बना देंगे आप वीडियो को देख मात्र से ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे मतलब कि बना बना के इसके बैटर में लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है घटक गुण दोष क्या होते हैं अच्छी तरीके से देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी और उनके स्रोत अर्थ और गुण उनके दोषों को अच्छी तरीके से याद कर लें कार्यशील पूंजी स्रोत क्या है अर्थ क्या है गुण उनके दोष क्या है से देख नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद कोष रखने देखो नगद कोष रखने की आवश्यकता क्या है और उनके घटक क्या है नगद कोष रखने की आवश्यकता क्या होती है और उनके घटक क्या होते हैं अब इन क्वेश्चन को याद करेंगे ठीक लगा लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है साख साख नीति का अर्थ क्या होता है साख नीति की परिभाषा आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये सारे क्वेश्चन में आए हुए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा और दो हजार बाईस में जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़िए ठीक है और हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे यहां कह रहा है स्कंद का अर्थ कार अर्थ और उनके घटक क्या होते हैं स्कंद आपको याद रखना स्कंद का अर्थ क्या होता है मतलब परिभाषा और उनके घटक को याद कर लेंगे स्कंद स्तर निर्धारण किस प्रकार से होता है वो भी याद करेंगे उनके प्रकारों को याद करेंगे एक्स लिट जो कह सकते हैं लिमिटेड एक्स लिमिटेड को एक यंत्र क्रम करना किस प्रकार से कर सकते हैं एक यंत्र होता है एक कह सकते हैं उनका क्रम करना क्या है वो आप देख लेंगे एक्स लिमिटेड को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वैसे एक्स लिमिटेड एक यंत्र होता है उसके क्रम करना क्या होता है वो और अंकित प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे आपसे पूछे जाते हैं हैं इस पेपर में कुछ भी भी आते हैं। आप जो इम्पोर्टेंट आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में दे रखा हो ठीक है आप उसको तैयार कर लेंगे या फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को दे दूंगा आप चिंता मत करिए फिलहाल मेरे हिसाब से आप अपने गैस पेपर में जो भी दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ लेना बाकी में जो बता रहा हूं, वो पढ़ना है। है नेक्स्ट क्वेश्चन परियोजना मूल्यांकन का के उनकी प्रत्यय दर जो विधि है वो दर गुण दोष और लाभ को देख लेना है पूंजी की लागत का अर्थ क्या होता है तो पूंजी की लागत का अर्थ अच्छी तरीके से याद कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिधारित लाभों का लाभों की लागत क्या होती है प्रतिधारित लाभों की लागत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसको पढ़ लेना उत्तोलक का अर्थ और वेद क्या होता है ये पढ़ेंगे पूंजीकरण एवं पूंजी रचना में अंतर मतलब पूंजीकरण क्या होता है और पूंजी रचना क्या होती है इन दोनों में अंतर आपसे पूछ लेता है ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो प्रायो में विनियोजन के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन है

देखो थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर हैं लेकिन आपसे क्या एग्जाम से दो दिन पहले मैं आपको दस क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में आते होंगे उनको रट लेना एग्जाम से पहले ठीक है फिर दो दिन पहले अपलोड कर दूंगा अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई हो वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो